भारत की ताकत ऐसी समस्याओं के समाधान करने की और नए रास्ते खोजने की रही है, आगे भी खुलेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत अस्थिर रहे, अशांत रहे, इसे लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमें इन लोगों को जानना होगा। हम ये न भूलें कि पंजाब के साथ क्या हुआ। जब बंटवारा हुआ, सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को। जब 84 के दंगे हुए, सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के। सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को। जो जम्मू कश्मीर में हुआ, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया। जो नॉर्थ ईस्ट में होता रहा, आए दिन बम बंदूक और गोलियों का कारोबार चलता रहा। ये सारी चीजों ने देश को किसी न किसी रूप में बहुत नुकसान किया है। इसके पीछे कौन ताकतें हैं, हर समय हर सरकारों ने इसको देखा है, जाना है, परखा है। और इसलिए हमें उस जज्बे से इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम तेजी से आगे बढ़े। और हम ये न भूलें कि कुछ लोग हमारे, खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। और इसलिए हमें इन दिशा में चिंता करने की आवश्यकता है। आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी,